चलिए दोस्तों, किसी नंबर का डिवीज़न मेथड से अगर हम क्यूब रूट फाइंड करना चाहें तो आइए उसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कोई भी हमारे पास एक नंबर है 3 और हमें इसका क्यूब रूट फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इसको 3 डिजिट का एक नंबर बना लें और अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम इसमें नंबर ऑफ जीरोज ट्रिपलेट के फॉर्म में आवश्यकता अनुसार आप इसमें एक्सटेंड कर लीजिए और ये हमारा क्यूब रूट फाइंड करना है हमको। तो आप देख रहे हैं फर्स्ट ट्रिपलेट जो है वो नंबर 3 है और आपको जानकारी होनी चाहिए कि 1 का क्यूब एंड 2 का क्यूब, ये अगर आपको नंबर मालूम है तो आप इजीली 3 क्यूब मीन्स 27। तो आप इसको थोड़ा सा और फास्ट प्रोसेस कर सकते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 1 का क्यूब ही 3 से लेस है, इसलिए 1 टाइम ही इसको डिवीज़न चल पाएगा, रिमाइंडर आपका 2 बना। और चूंकि अब हमें नेक्स्ट ट्रिपलेट उतारना है इसलिए डेसिमल आने की वजह से यहाँ डेसिमल लगाइए और नेक्स्ट ट्रिपलेट 00 उतार लिया हमने और यहाँ फिर दोबारा से हमारा क्यूब रूट तैयार है। अब यहाँ आपको ध्यान देने की बात है कि जो ये नंबर बना है आपको दो काम करने हैं। नंबर 1 कि एक बार तो इसका स्क्वायर करते हुए 3 टाइम्स, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 का 3 टाइम्स 3, और एक पार्ट में आप इसको डायरेक्ट 3 टाइम्स यानी कि 3 बन जाए 3। ये दो नंबर आपको दो जगह पुट करने हैं। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि इस 3 के साथ कोई एक नंबर आपको यहाँ पर 1 to 9 तक का जो नंबर है वो आपको यहाँ पर पुट करना है और पुट करने के बाद इसी जो टोटल नंबर बनेगा उसमें उसी से ही मल्टीप्लाई करनी है और करने के बाद इसको शामिल करते हुए आपको उसमें टोटल मल्टीप्लाई करनी है ताकि इससे एक्सीड ना हो जाए। उसका सिंपल तरीका ये होगा कि आप इस डिजिट के आगे देखिए कि नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं इस संख्या में। तो यहाँ पर कोई डिजिट नहीं है तो उसमें आप 2 ऐड कर लीजिए, यानी कि 2 + 0 = 2। तो यहाँ पर 2 प्लेस आप छोड़ दीजिए। तो एक अप्रोक्सीमेशन हम लगा रहे हैं, तो 3 का 20 में अप्रोक्सीमेशन जो डिवीज़न होगा वो 6 टाइम होगा। तो आप 6 रख के देख लीजिए और 6 से मल्टीप्लाई करिए और मल्टीप्लाई इस तरह से करना है कि जो मल्टीप्लिकेशन में 2 डिजिट आएंगे वो आप इस पोर्शन के राइट में रखेंगे और बाकी को इधर की साइड ऐड करते हुए चलेंगे। जैसे 6 6 = 36 कैरी 3 और 6 3 = 18 और 3 21। 21 का 1 यहाँ और 2 यहाँ और अब इसको इसमें ऐड कर दीजिए और इसको एज इट इज़ रख लीजिए, यानी कि हमारा नंबर बना 16 and 5। और जो नंबर आपने पुट किया था उसी से अब इसमें मल्टीप्लाई करिए। तो ये एक तरीके से आप अगर देख रहे हैं कि 6 टाइम अगर आप इसको चलाते हैं तो ये यहाँ पर एक्सीड कर जाएगा क्योंकि 6 5 30 होगा। तो इसका मतलब है आप यहाँ पर 5 पुट करिए, 5 से मल्टीप्लाई करिए, 5 5 = 25 कैरी 2, 5 3 = 15 and 2 = 17, 17 का 7 यहाँ और कैरी 1 यहाँ और अब आप ऐड करेंगे तो ये बनेगा 3 and 4 = 4, 75 और इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देख रहे हैं अब भी आपका जो नंबर है वो इसको एक्सीड कर रहा है। इसका मतलब है यहाँ पर आप 4 रखिए, तो 3 के साथ आप 4 पुट करेंगे तो जो 34 नंबर बना है उसमें 34 में 4 से मल्टीप्लाई करें तो 136 का 36 इधर रखिए और जो 1 बना है उसको इसमें ऐड कर दिए, यानी कि 4। और अब 436 में उसी डिजिट से जो आपने रखा था 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 6 = 24 2, 4 3 = 12 and 2 = 14, 1 4 4 = 16 and 1 = 17। आप देख रहे हैं अब ये इससे लेस है, इसका मतलब 4 टाइम हम चला सकते हैं। तो ये आपका रिमाइंडर बचा 6 9 4 5 9 7 2 and 1 1 0। अब आप नेक्स्ट प्लेट उतार सकते हैं यहाँ पर और जो नंबर आपका बना है ये 14, फिर वही प्रोसेस अपनाएंगे हम कि 14 का यहाँ पर दो पार्ट में आप डिवीज़न करते हुए स्क्वायर करके 3 टाइम्स, 14 का स्क्वायर होता है 196 और इसका 3 टाइम्स करिए तो ये बनेगा 588। तो यहाँ पर आप इसको
एक पोर्शन 588 का बनाइए और एक इसी का ट्रिपल ले लीजिए, यानी कि 43 टाइम्स जो है 42। और अप्रोक्सीमेशन चलाने के लिए लगभग आप देख रहे हैं कि यहाँ 5 के आगे 2 डिजिट हैं और 2 में 2 और जोड़ दीजिए, 4 डिजिट छोड़ते हुए नंबर बचता है 25। तो 5 का इसमें टेबल 5 टाइम चल सकता है, तो अप्रोक्सीमेशन के लिए हम यहाँ 4 चला रहे हैं। देख लेते हैं, अगर ज़्यादा कब रहता है तो हम 5 चला लेंगे। 4 से 424 जो संख्या बनी है, इस पूरे संख्या मल्टीप्लाई करेंगे, 4 जो 16, 4 जो 8 एंड 1 9, और यहाँ केवल 2 ही डिजिट रखेंगे, बाकी बचा 4 जो 16 उसको हम इधर ले आएंगे। और अब इसको तो ऐड करके रखेंगे, यानी कि ये हमारा बन जाएगा 604 और ये 96 एज इट इज़। और जो संख्या बन के तैयार हुई उसमें हम 4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 4 6 24, 4 9 36 एंड 2 38, 3 4 4 16 एंड 3 19, क्योंकि यह 0 है, एंड 4 6 24। आप देख रहे हैं लगभग ही नियर नंबर बना है, तो ये हमारा अप्रोक्सीमेशन सही रहा। इस 4 को उठाकर हम यहाँ रख देंगे, तो हम देख रहे हैं कि इसी तरीके से अगर हम करते चले जाएं तो हमारा जो 3 का क्यूब रूट है वो अप्रोक्सीमेटली 1.44 मिल जाएगा। आप इस तरह से प्रोसेस किसी भी नंबर को लेकर के प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये ठीक उसी प्रोसेस पर आधारित है कि a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b³। थैंक यू।